सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवेंद्र सक्सेना, आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, डीजे परफॉर्म से मैं कैसे जुड़ा। 12th मैंने जीडी गोविंद का पब्लिक स्कूल से करी है, तो ठीक है, जीडी गोविंद का एक वैसे हाई फाई स्कूल है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझ सकते हो कि उसके बाद हमारा प्लान था कि MAT जाना, लेकिन उसके बाद कोविड की ऐसी सिचुएशन आई कि पता ही नहीं था कि यार मेरी लाइफ टर्निंग पॉइंट एक मेरा कोविड था। मुझे पता नहीं था कि मैं डिजिटल मार्केट ऑनलाइन मार्केट मेरे को एक तरीके से एक चीज़ की नॉलेज भी नहीं डिजिटल मार्केट होता गया बेसिकली। लेकिन जब कोविड में घर बैठे बैठे मैंने देखा कि ऑनलाइन मार्केट लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब हर एक चीज़ चलाते हैं, तो मैंने सोचा था कि यार मैं भी अपने यूट्यूब पर चैनल खोलूं। तो फिर मैंने खाली बैठा हुआ, मैंने क्या करूं, मेरा MAT से था, मेरा मेरे इंटरेस्ट फिर मॉडलिंग में भी था, मेरे को TCS ऑफर भी था कि मॉडलिंग करूं। तो मतलब लेकिन कोविड के चक्कर वो भी सब कैंसिल, शूट वूट के लिए भी बहुत अप्लाई करा था, वो भी सब हुआ था, मुंबई के लिए भी बात हुई थी, लेकिन सब कैंसिल हो गया था कोविड के चक्कर में। तो मैंने सोचा क्या करना है, तो फिर मैंने ना ड्यू से अपना ओपन में भर दिया, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना ग्रेजुएशन भरी मैंने ड्यू से नॉर्मली, तो नॉर्मल बहुत शांति से अपना नॉर्मल सा मैंने फिर देखा, मैं डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सुनता था, ठीक है। और बाकी डिजिटल फॉर्म के आप भी लोग ऐड देखते हो, मैंने बहुत देखे क्योंकि आप मतलब मैंने इसमें जाकर चीज़ पढ़ी, जब आप लोग चीज बोलते हो सोचते हो तो आपका फोन सुनता है, तो वो आपको ऑटोमेटिक ऐड दिखाता है। तो मुझे डिजिटल फॉर्म का ऐड दिखाया, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने अपने घर वालों से बात करी कि ये कोर्स एक डिप्लोमा ही कर लेता हूँ खाली बैठने से अच्छा है। तो फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करा, डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करने का मैंने DCOM प्रो से मैंने स्टार्ट करा था अपना। मैंने करते 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 ना उसमें एक आया यूट्यूब, जब और जो मन के अंदर थी वो चीज़ वो बाहर आई, तो उसमें बहुत अच्छा लगा कि मैंने सोचा यार जब सब दुनिया कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने अपने ना जब मैं ब्लॉग शुरू, मैंने एक तरीके से मेरा ब्लॉगिंग चैनल, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, सब कुछ है, पर उसके जो पीछे की स्टोरी है ना वो बहुत बड़ी है कि सोचा मैंने बहुत कुछ था, करा कुछ और आज जाके मैं यूट्यूब पे आया हूँ। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी लिटरली, मेरे को जब मैं डिजिटल मार्केटिंग आती 3 महीने तक लगातार क्लास आया था, एंड के समय जब यूट्यूब का कोर्स आया, जब तो मैंने सर से बोला सर मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, और मेरे अंदर 2-3 दिन से पहले चला था कि ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ सबसे बढ़िया, क्योंकि आप अकेले हो तो ब्लॉगिंग सबसे बढ़िया पार्ट है। तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, मैंने सोचा अपने दोस्तों से बात करी, दोस्तों ने बोला भाई क्या कर रहा है, क्या बेकार चीज़ है, तू सब छोड़ दे, तू करना अपना जो भी कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग। मैं नहीं यार, मैंने कुछ करना है और अपना नाम कमाना है, मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने एक रात पहले सोचा, अगले दिन मैंने सुबह उठ के ब्लॉग बनाया, मेरे को पता कैसा वैसा बना, मैं खुद देखता हूँ मुझे बोलता मैंने कैसे बनाया, लेकिन जब बनाया ना मेरे को खुशी की मैंने बनाया, उसी दिन मैंने मोटिवेट होकर मैंने बोला भाई मैं अगले दिन ब्लॉग शुरू करूँगा, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू करा। फिर मैंने 3 महीने तक लगातार मैंने ब्लॉग्स बनाए, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैंने इनकम जनरेट करी उससे, कसम से मेरे को बहुत प्यारी वाली फीलिंग आई, एक तरफ ग्रेजुएशन, एक तरफ मेरा डिजिटल मार्केटिंग और एक तरफ यूट्यूब। पर आज मेरा यूट्यूब पे इतनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है कि आप लोगों के सपोर्ट से ही भाई हो, कि मैंने अपना एक नाम भी कमा लिया, लोग मुझे जानते भी हैं अब मेरे भाई पर ही, मेरे ज़्यादा बड़े सब्सक्राइबर्स नहीं, अभी नया नया चैनल स्टार्ट करा है, लेकिन ये है कि मेरी चैनल मोनेटाइज हो गया है और थोड़ा अब आगे चल रहा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा डिजिटल मार्केटिंग में, लिटरली मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था यही, कसम से जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि यार हम लोगों को लगता है हम वीडियो बना लें नॉर्मली और डाल दें, उसके पीछे की जो स्टोरी है ना वो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में सीखी। सोचना और करने में बहुत फ़र्क होता है भाई, आप लोगों को भी बोलूँगा। और जो मेरे फ्यूचर गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स मेरे यार ये हैं कि अभी यूट्यूब स्टार्ट करा है, अब एक बड़ा यूट्यूबर बनना है, जैसे सबका नाम है ना ऐसे, घर वाले मेरे घर वालों को मेरे नाम से जाने लोग, वो मैं बहुत जल्दी अचीव कर लूँगा जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आप लोग मेरे जैसे ब्लॉग्स देखते ही होंगे, अगर नहीं देखते दीव ब्लॉग से जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आपको सब पता चलेगा। बाकी मेरी जो डीजी परफॉर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे मतलब एक्चुअली पहले जो मेरे DCOM में था तब थे समीर सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा उन्होंने बताने के लिए, उसके बाद फिर मैं जब DCOM प्रो मैंने आया तो उसके बाद मुझे मिले ऋषि सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा यूट्यूब को लेकर। मैं पता है मैं लिटरली बताऊँ दिमाग खा जाता था जब मैं आता था डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मेरे को चीज़ें सीखनी थी, धीरे धीरे जब सर पढ़ाते ना मैं सिर्फ सुनता था, मैं कुछ बोलता नहीं था, जब मैंने सुना तो मुझे इंटरेस्ट आया कि मार्केटिंग लाइन स्पीकिंग स्किल्स अच्छी थी, बोलना मुझे वैसे स्टार्टिंग से आता था, चैटर बॉक्स था मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही, तो जब मैंने बोलना सीखा तो मतलब यार सर से डिस्कस करना सर यूट्यूब वाला करके, तो बहुत चीज़ें हुई, फिर मैंने सर से बहुत चीज़ें सीखी, सर ने बहुत सपोर्ट करा, सारे सरों ने जितने भी डीजी परफॉर्म की पूरी टीम है सबने मेरे को इतना सपोर्ट करा, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने अपना ही एक इंटरव्यू दे रहा हूँ डीजी परफॉर्म को कि यहाँ पर आके इतना सब अचीव करा है, तो बहुत अच्छा है, थैंक यू बोलता हूँ सभी को जितने मेरी हेल्प करी है। अपकमिंग यूट्यूबर्स के लिए तो बस यही है भाई, मेहनत करो, कसम से किसी की मत सुनो, तुम्हें 10 लोग 10 चीज़ें बोलेंगे, किसी की मत सुनो, क्योंकि मेरे को मेरे घर वालों तक ने उल्टा बोला था कि जब मैंने कह रहा था कि क्या कर रहा है और कोई सपोर्ट नहीं करता, जब तक पैसा नहीं आता ना कोई अचीव नहीं कर पाया कुछ भी, जिस दिन तुम पैसा कमाओगे ना वो दुनिया तुम्हें पूछेगी। मेरे कितने दोस्त थे मुझे मना कर देते कि भाई यूट्यूब मत कर तू अपनी ज़िंदगी जी, लेकिन जब मैंने करा ना चीज़, आज वही दोस्त हैं मेरे साथ बैठते हैं बोलते हैं भाई हम भी शुरू करना चाहते हैं, पर मोटिवेशन अपने अंदर दिल में, तुम एक बार अपने दिल में कर लो ना कि तुम्हें करना है, तुम्हें दूसरा कोई कितना ही बोले तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कभी किसी की सुनो मत और अपने दिल की करो, सुनो ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ तुम्हें दिखा रहे हो उससे नॉलेज लो, गेन करो,
और जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, जो दिल की सुनो बस उस समय जाके।